हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आ गए एक और नई वीडियो के साथ में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेमो प्ले को डाउनलोड कैसे करें और उस पर फ्री फायर कैसे इंस्टॉल करें। जैसा कि आपको पता होगा कि मेमो प्ले अब तक का सबसे बढ़िया एमुलेटर है, लेकिन अभी कुछ दिनों में पहले एक अपडेट आया था मेमो प्ले का। उस अपडेट में पूरा मेमो प्ले एकदम से बिगड़ गया था। मतलब उसमें फ्री फायर एकदम बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहे थे। मान लो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी भाई, कभी कभी अपना जंप स्टिक हो जाता था, कभी कभी जॉयस्टिक प्रॉब्लम आ जाती थी। तो उसकी वजह से अपन ने पर मेमो प्ले पर फ्री फायर खेलना छोड़ दिया था। पर अभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि भाई अभी मैं मेमो प्ले का यूज कर रहा हूं और मेमो प्ले बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। तो भाई मैंने सोचा चलो यहां पर मेमो प्ले को एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि भाई फ्री फायर कैसा इस पे चल रहा है। तो भाई मैंने यहाँ पर मेमो प्ले इंस्टॉल किया और उस पर फ्री फायर खेला। तो भाई मुझे लगा भाई मेमो प्ले तो एकदम चेंज हो गया। मतलब 2021 के अंदर भाई इतना अच्छा चेंजेस आया है एमुलेटर के अंदर, मतलब मेमो प्ले के अंदर, भाई आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मेमो प्ले एकदम से चेंज हो गया। अगर आप अभी मेमो प्ले का यूज कर रहे होगे तो आपको ही पता होगा कि भाई मेमो प्ले कितना अधिकतर चेंज हो गया है। अगर अपन ब्लू स्टैक्स इसका कंपेयर करें तो भाई मेमो प्ले हर बार की तरह जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेमो प्ले का सीधा कॉम्पिटिशन होता है ब्लू स्टैक्स से। तो यहाँ पर वो वेबसाइट पर भी लिख के देता है कि ब्लू स्टैक्स मेरे से छोटा है। तो मतलब आप देख सकते हो मेमो प्ले कितना बढ़िया एमुलेटर है। तो अगर आपके पास लो एंड पीसी है एंड आपके पास कोई हाई पीसी है तब भी आप मेमो प्ले का यूज कर सकते हो। तो चलो फिर यहाँ पर मेमो प्ले को इंस्टॉल करते हैं। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले मेमो प्ले को डाउनलोड करते हैं, फिर पीसी के अंदर इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद में अपन उस पर फ्री फायर इंस्टॉल करेंगे। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, यहाँ पर मेमो प्ले को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, और गूगल पर टाइप करोगे आप मेमो प्ले और इधर आपके सामने लिख के आ जाएंगे मेमो प्ले डाउनलोड मेमो प्ले एमुलेटर। पर अपन को सीधा मेमो प्ले एंटर कर देना है और जैसे ही आपके सामने आएगी पहली वेबसाइट तो आप यहां पर देख लो memoplay.com। और इस वेबसाइट को मैं बता दूं, ये एक चाइनीज एमुलेटर है भाई। तो इधर कुछ आपको मतलब आपको लगे कि चाइनीज आपको यूज नहीं करना है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भाई हर कोई यहाँ पर मेमो प्ले का यूज़ कर रहा है तो आप भी कर सकते हो। और यहाँ पर चलना अपन को पहली वेबसाइट पर मेमो प्ले की। तो चलो यहाँ पर हम दिखा देते हैं अभी कौन सा वर्जन चल रहा है। तो आप यहाँ पर देखोगे मेमो प्ले 7 और अभी जो ब्लू स्टैक्स के अंदर जो वर्जन चल रहा है वो है 5 और 4। तो भाई इधर से ना अपन बात करेंगे, इधर इसकी कुछ यहाँ पर व्यू वगैरह मतलब इधर कुछ जानकारी देखे रखी है। तो इधर सीधा कॉम्पिटिशन मेमो प्ले सीधा कॉम्पिटिशन करता है ब्लू स्टैक्स 4 से। तो इधर उसने सीधा लिख के रखा है, देख लो आप यहाँ पर उसका कुछ ऑप्शन देखोगे मेमो नॉक्स एलडी प्लेयर ब्लू स्टैक्स, तो सारा कैसे कैसे काम करेगा। तो इधर इसने एक ग्राफ में सारा बताया है कि मैं सबसे बढ़िया बेस्ट एमुलेटर हूँ। मतलब इधर कुछ खुद इसने लिख के दिया है और सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी कि भाई कौन सा एमुलेटर बढ़िया है और मैं सबसे बढ़िया क्यों हूँ। तो मेमो प्ले ने यहाँ पर खुद बताया है। और डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर आता है, इधर डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे तो आपका इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा। और नीचे आप यहाँ पर देखोगे ऑफलाइन इंस्टॉलर का भी यहाँ पर ऑप्शन है। अगर आप सीधा पूरा फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, यहाँ पर इधर मेमो प्ले का सीधा फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके मेमो प्ले एमुलेटर का पूरा यहाँ पर मतलब सॉफ्टवेयर पूरा यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो उस पर क्लिक करके। वरना आप यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करके उसका इंस्टॉलर डाउनलोड कर लो, जैसे कि मैंने करके रखा है, मतलब मैं अभी कर रहा हूँ। तो इधर इस पर क्लिक करने के बाद अपना डाउनलोड होने लगेगा। तो यहाँ पर देख लो डाउनलोड मेमो प्ले इंस्टॉल करना एकदम ईजी है। सीधा इस पर जाओ, यहाँ पर डाउनलोड लिखा और सोएन फोल्डर पर क्लिक कर दो। सोएन फोल्डर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है अपने इंस्टॉलर के ऊपर और उधर ऑप्शन आता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका मेमो प्ले आपके पीसी में इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो जैसे ही अपना पीसी के अंदर मेमो प्ले इंस्टॉल होने लग जाए तो यहाँ पर हम बात करेंगे भाई इसमें ना अगर आपका लो एंड पीसी है या फिर हाई पीसी है तो दोनों में काम करेगा। लो एंड पीसी है तो उसकी भी मैं इस वीडियो में सेटिंग बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी सेटिंग करनी है। एक बार अपना मेमो प्ले यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए अपने पीसी के अंदर, फिर मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी सेटिंग बताऊंगा कि आप एकदम से मेमो प्ले को अपने लो एंड पीसी में भी यहां पर यूज कर पाओगे और उस पर फ्री फायर खेल पाओगे। और जैसे आप यहां पर मेमो प्ले इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह आएंगे, जहां पर एबीजी एंटीवायरस हो गया या फिर कभी कभी ओपेरा मिनी भी दिखाता है कि भाई ओपेरा मिनी डाउनलोड कर लो। तो इनको सबको आपको स्किप ऑल पर क्लिक करके स्किप कर देना है। ध्यान रहे आपको यहां पर इंस्टॉल नहीं करना है क्योंकि आपका पीसी के साइज फिर भी बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप एंटीवायरस को भी इंस्टॉल कर लेते हो तो भाई आपके पीसी में जितना भी यहाँ पर रैम वगैरह वो थोड़ा यूज उसका बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पर मेमो प्ले को ही इंस्टॉल करना है। और जैसे ही आपका मेमो प्ले इंस्टॉल हो जाए तो फिर
आपको उसको ओपन करना है। तो आपका यहाँ पर एक बार मेमो प्ले आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल हो जाए तो आपको सबसे पहले करनी है अपनी सेटिंग। तो यहाँ पर देखोगे मेमो प्ले के यहाँ पर राइट साइड के जो बार है उसमें आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार की सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो अपन को ना सबसे पहले इंजन सेटिंग को यहाँ पर चेंज करना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, अगर आप यहाँ पर इंजन सेटिंग बढ़िया कर लेते हो तो भाई आपका यहाँ पर फ्री फायर भी स्टक नहीं होगा और ना ही आपका कभी लैग करेगा। मतलब इधर सारी सेटिंग इंजन सेटिंग होती है, और भी बहुत सारी सेटिंग है जिनके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो सबसे पहले आती है यहाँ पर CPU की कोर सेलेक्ट करने की बात। तो इधर मैंने यहाँ पर देख लो मेरे पीसी के अंदर 2 कोर्स है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मीडियम 2 कोर्स और 2GB RAM को सेलेक्ट करके रखा है, देख लो यहाँ पर। और यहाँ पर देख लो अगर आपका लो एंड पीसी है 1 कोर है या फिर ड्यू कोर है तो आपको लो पर क्लिक करना है, और अगर आपका मीडियम पीसी है तो आपको यहाँ पर मीडियम पर क्लिक करना है, और अगर आपका हाई पीसी है जैसे कि i5 हो गया, i7 हो गया, i9 प्रोसेसर हो गया और उसके साथ में राइजन 7 या फिर राइजन 5 या फिर अदर CPU है तो उसके थ्रू आपको हाई पर क्लिक करना है, पर आपको टॉप पर क्लिक नहीं करना है। अगर आप चाहो तो टॉप पर भी चला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर फिर भी ये तीनों ऑप्शन आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होते हैं। मतलब लैग से बचने के लिए ये तीनों ऑप्शन सबसे बढ़िया है। बस यहाँ पर टॉप में देखो कोर तो वही है पर यहाँ पर रैम ही चेंज हुई है, तो आप यहाँ पर कस्टमाइज पर जाकर भी यहाँ पर रैम को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर कस्टमाइज आप जो भी सिलेक्ट करना चाहो वो यहाँ पर से घटा और बढ़ा सकते हो। और रेंडर की बात करें तो बाकी आपको डिफॉल्ट ही रखना है ना। लेकिन यहाँ पर बात करें कि आप सोच रहे हो कि भाई मेरे पीसी के अंदर 2 कोर है या रैम कितना है कैसे पता करें, तो सिंपल है, आपको जाना है अपने विंडो बार में, और विंडो बार में जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा टास्क मैनेजर का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर टास्क मैनेजर पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आएगा परफॉर्मेंस का ऑप्शन। जैसे ही आप परफॉर्मेंस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके पीसी की सारी जानकारी एकदम लाइव अपडेट यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। इधर CPU पर क्लिक करोगे तो नीचे देखोगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कितनी कोर है आपके पीसी के अंदर और कितनी सॉकेट्स है और क्या थ्रेड वगैरह है। और यहाँ पर अगर आप मेमोरी पर क्लिक करते हो तो आपको सारी रैम के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि आपके पीसी के अंदर कितनी रैम है, कितनी यूज हो चुकी है और कितनी अभी बाकी है। तो इस तरह से आप सारी जानकारी यहाँ से लेकर और इधर सारी जानकारी आप उधर से सारी जानकारी लेकर आप इधर सारी जानकारी चेंज कर सकते हो। जैसे ही आपकी यहाँ पर टास्क मैनेजर में जो जानकारी दी गई है सेम उधर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सिर्फ इतनी सेटिंग थी, बाकी की सेटिंग मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि भाई आपके पीसी के हिसाब से कौन सी बढ़िया सेटिंग रहेगी। इसके बाद आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके के बटन पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर रिस्टार्ट मांगेगा, तो आपको यहाँ पर रिस्टार्ट कर देना है। ओके, तो भाई लोग जैसे ही आपका मेमो प्ले रिस्टार्ट हो जाए तो उसके बाद अपन को जाना है गूगल प्ले स्टोर में, और गूगल प्ले स्टोर में जाते ही आपको यहाँ पर जीमेल से अपने यहाँ पर लॉग इन कर लेना है गूगल प्ले स्टोर के अंदर, और वहाँ पर सर्च बार में लिखना है आपको फ्री फायर। जैसे आप यहाँ पर सर्च बार में लिखोगे फ्री फायर तो आपके सामने आ जाएगा फ्री फायर। उसके बाद आपको इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ्री फायर अपने मेमो प्ले के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पर बात करें कभी कभी आपका लिख के आएगा वेटिंग फॉर डाउनलोड, तो उसको क्या करना है भाई, अगर आपके पीसी के अंदर भी वेटिंग फॉर डाउनलोड लिख के आता है और इससे आगे नहीं बढ़ता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर अपने एमुलेटर को रिस्टार्ट करना है। और जैसे आप रिस्टार्ट करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो ये भी बढ़िया ट्रिक थी। और आप यहाँ पर जा सकते हो सेटिंग के अंदर, ऐप सेटिंग के अंदर, और अपनी गूगल प्ले स्टोर की जितनी भी चीज वगैरह वो सारी यहाँ पर क्लियर कर दोगे तो उससे भी आपका यहाँ पर फ्री फायर इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो इंस्टॉल होने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर। जितना अच्छा आपका इंटरनेट कनेक्शन आएगा उतनी जल्दी आपका मेमो प्ले इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे ही आपका यहाँ पर मेमो प्ले इंस्टॉल हो जाता है तो भाई लोग यहाँ पर आपके मेमो प्ले के अंदर जैसे ही फ्री फायर ओपन हो जाएगा तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे अनइंस्टॉल और प्ले का। तो आपको यहाँ पर प्ले के बटन पर क्लिक कर देना है, और जैसे आप यहाँ पर प्ले के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर स्टार्ट बटन का ऑप्शन होगा और इधर भी आप देख सकते हो जो यहाँ पर एक इमेज लिख के, मतलब आपको एक इमेज दिखेगी तो उसमें क्या है सारी जानकारी है कि भाई किस प्रकार से आपके कीबोर्ड कंट्रोल्स अभी लाइव में होंगे, मतलब डिफॉल्ट्स कीबोर्ड कंट्रोल होंगे, इनको चेंज भी अपन कर सकते हैं, और अगर अपन चाहो तो भाई डिफॉल्ट पे भी खेल सकते हैं। डिफॉल्ट भी बढ़िया बात होती है, मतलब डिफॉल्ट पहले से बढ़िया सेट आते हैं, पर यहाँ पर अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कीबोर्ड कंट्रोल का ऑप्शन है, इधर पर जाके आप सारी की मैपिंग चेंज कर सकते हो। अगर आपको अभी तक की मैपिंग करना नहीं आता है मेमो प्ले के अंदर तो मेरे वीडियो को वेट करिए, जैसे ये वीडियो अपलोड होगा उसके तुरंत बाद मेमो प्ले पर की मैपिंग कैसे करें वो भी वीडियो जल्दी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, तो उसका आपको वेट करना है। तो यहाँ पर जैसे ये ऑप्शन आएगा तो स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने लॉगिन के ऑप्शन आएंगे, तो लॉगिन आपको जो
जिस भी यहाँ पर अकाउंट से करना उससे कर लो। यहाँ पर बात करें न्यू आईडी की, तो आप न्यू आईडी भी बना सकते हो। अब सीधा काम आता है फ्री फायर की तरह, जैसे अपन मोबाइल पर करते हैं सेम सेटिंग यहाँ पर फ्री फायर की पीसी के अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर थी मेमो प्ले डाउनलोड और इंस्टॉल करने की ये सारी जानकारी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेमो प्ले के बारे में और भी अधिक वीडियो आए, तो फटाफट से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले वीडियो मेमो प्ले के ऊपर ही होंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।